सबको जय मसीह की, प्रभु को महिमा हो, सबको आशीष मिले। मैं प्रभु कौन था क्या था मुझे नहीं पता था। मेरे बड़े बेटा, वो एक नेपाल की एक लड़की थी, उसकी दोस्त थी, तो वो मैसेज में यीशु के बारे में बात करती थी। तो ऐसे करके जे मेरे बेटे को बताया मैसेज में, जे वो हमारे पापों को लिया है, हमें उद्धार किया है। तो ऐसे ऐसे बताया तो उसने ढूंढने लगा जे वो कौन है। इतनी तो हम मूर्तियों को पूछती हूँ, तो वो कौन है मैं ढूंढूंगी। तो वो ढूंढने लगा मेरे बेटा, फिर ढूंढते कब से ढूंढने लगा ये मुझे नहीं पता, मगर वो ढूंढने लगा। फिर मेरे को कोई बात होता है तो मेरे को ही पहले बताते, तो मेरे को बताया जे मम्मी एक प्रभु है, उनको आप जो मूर्ति के सामने कुछ भी चढ़ाते हो, नहा धो के सबको जुगाड़ करके, पैसा नहीं होता है तो उधार धार करके, जैसे भी होते फल फ्रूट देके उनके सामने इतना वो करते हो, कुछ करते नहीं है, तो हमारे लिए एक है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दिल से पुकारना चाहिए। तो उस टाइम बहुत मैं काम में और ऐसे जगह में गई थी जो वहाँ पेत आत्मा भी बहुत था, हमें नचाते थे। तो मैं इतनी काम करती थी, 6-7 घर में कोठी में काम करती थी, तो काम के चक्कर में उसकी बात तो सुनती थी, ध्यान काम पे रहते थे। तो मैं वो बोलते थे, मैं कहा ठीक है कभी जान लूंगी कभी कर लूंगी। तो मैं काम के उलझन में उसकी बातें को वहां तक ही खत्म कर देती थी। खत्म करते करते वो मेरे इतना ही सुनाते, मम्मी तुम्हें बैठ के और शुद्ध होके नहा धो के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मुंह धोते धोते खाना बनाते बनाते तुम कैसे भी स्थिति में रहो, तुम जाते जाते रोड में कुटी में काम करते करते तुम उनका शरण कर सकते हो। तो कौन है मुझे तो पता ही नहीं है वो कौन है, सिर्फ यीशु नाम है इतना बताया। तो इतना बोला फिर ठीक है, ऐसे ही चलते गया। और जिस घर में था हमारा, वो पेत आत्मा हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। मेरे छोटे बेटे को कभी जेल भेजता था, कभी कहीं उठा के ले जाने की था। तो हम बहुत उलझन में थे, कमाते भी बहुत थे, फ्री में रहते थे, फिर भी खाना नहीं जुगाड़ होता था, ऐसे हालत थे। तो गया, कुछ काफी दिन हो गया, होने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला जो एक तंत्री के पास जाना है। गए तो उस दिन पता नहीं मेरे को थोड़ा ज्यादा ही हुआ, मैं यीशु बचा लेना जितना आते थे उतना ही बोला। तो हमें तो एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, मगर वो पेट आत्मा मुझे आधे एक घंटे तक वहां पे चक्कर लगाया उस तंत्री की घर तक, उसके घर मेरे बगल में ही था, हम लोग आधे घंटा एक घंटा तक वहां से चक्कर लगाया तो मिला नहीं। और मिला नहीं तो फिर मैं इतना ही दिल से कहती थी मैं वो तंत्री के पास नहीं जाना है, और मेरे पति बोल रहे जाना है, और मैं बोल नहीं रही थी मुंह से, मगर मन में सोच रही थी नहीं जाना है। मेरे बेटा ने बोला जे तंत्रिक वंत्रिक ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब और खतरनाक होता है, तो इसलिए मेरे मन में कहा जे मैं नहीं जाना है। तो गई नहीं, वो घर ही नहीं मिला, सिर्फ घुमा रहा इस मोड़ में आ रही हूँ तो फोन करके पूछ रहा है, तो उस मोड़ में भेज रहा है, ऐसे कर करके एक घंटा बीत गया। बीतने के बाद तो वो जिसके पास जा रहे थे वो भाई को फोन किया, तो उसके भाई को भेजा। भेजने के बाद फिर वो आए, आके उस टाइम वो शिव जी के पानी चढ़ाने के दिन था, तो वहां पे टेंट लगा हुआ था जो उनको पानी पिलाता है, तो वहीं पे हम खड़े थे। वो भाई आया, आके बोला अंकल ये तो हमारा घर है, तो आप जा नहीं पाए? तो कह रहे पता नहीं हमें पहचान में नहीं आ रहे, लोग हमें देख रहे हैं जी, ये दोनों मियां बीवी कैसे घूम रहे, किसी को खो गया कुछ हो गया। तो उस बंदा ने बोला अंकल आप मैं आगे जा रही हूँ, आप स्कूटी लेके पीछे पीछे आओ। तो वो गया आगे आगे, मुझे पता है जो वो जा रहा है उस रास्ते में, मेरे पति वही और रास्ते में जा रहा है, मुझे पता है जो गलत रास्ते जा रहा है, फिर भी मैं मुंह से नहीं बोल रहा था आप गलत रास्ते में क्यों जा रहे हो, क्यों मुझे पता है। और उसको होश नहीं आई, वो गलत रास्ते में जा रहे थे। तो जाते जाते फिर वो लड़का पीछे मुड़ के देखा, हम लोग तो गलत रास्ते में जा रहे थे, फिर आवाज लगाया जान कल पहले आप यहाँ आओ वापिस आओ। आके फिर वहीं खड़े किया, फिर स्कूटी में हम पैदल गया वो तंत्रिक के पास, कुछ जादू किया, काला धागा मागा दिया, टीका वीका दिया है। तो हम बांध बुन के दोनों मियां बीवी आए, छोटा बेटा तो था नहीं घर पे, बेटी था, बेटा को धागा वागा पहनाने बोला तो वो तो पहना नहीं, उसने बोला मेरे को कोई जरूरत नहीं है।
पहनने की। उसने नहीं पहना, बेटी को पहनाया, आके नया झाड़ू खरीदा, पूरा घर को धोया, धोके वो झाड़ू को मस्जिद मंदिर में दान करने बोला, वो भी किया है। तो शुक्रवार के दिन था ये, शुक्रवार गए, डर डर से जी रहे थे हम लोग। फिर हम लोग टीका विका लगाए, जो हमारे कुछ होगा नहीं हमारे साथ, ठीक है। शुक्रवार गया, शनिवार गया, फिर शनिवार भी ठीक ठाक ही गया, बेटा नहीं लिया। हम तीनों माँ बेटा बेटी एक खाट में सो रहे थे, इसके पापा अलग अपना खटिया बनाया वहां सो रहे थे, तो छोटा बेटा था ही नहीं उस टाइम घर पे। तो संडे का दिन सुबह, तो थोड़ा देर से काम पे जाती हूँ, 7 बजे करीब, तो मैंने सो के वो उठ के गाड़ी पोसने चला गया लड़का, बड़ा लड़का। फिर मैं उठ के, मैं 6:30 बजे उठ के बाथरूम गई, बाथरूम से मैं दांत मांज रही हूँ और उसके उल्टी की आवाज आ रही। तो मैं बोल रही हूँ, ये उल्टी सुबह सुबह उल्टी कौन कर रहा है, ऐसा पीपा के उल्टी कर रहा है, इतना सुबह कौन पी रहा है। तो मैं बाहर आके देखा, मेरा ही लड़का है, उल्टी कर रहा है। तुमने बोला तू गाड़ी पोसने नहीं गया, तो बोला हाँ मम्मी गई हूँ गाड़ी पोसने, 2 गाड़ी पोछा है मैंने, मेरे को चक्कर आया और उल्टी पूरा दुनिया लग रहा है, मेरे को घूम रहा है, अंधेरा से देख गया। मैं घर आ गई, तो पास ही था, सेक्टर में रहती थी, तो घर आ गया। मैं बोला तू लेट जा, लेटने के बाद मैं कंघी कर रही हूँ, कपड़ा पहन रही हूँ, काम पे जाना है मुझे। तो वो इतना बोला, पापा मेरे सिर में 1 बाल्टी पानी डाल दो। इसके पापा मेरे को बोल रहे थे 1 बाल्टी पानी ला दो। तो मैंने मन मन में ही बोल रही हूँ, पता नहीं प्रभु का वो इच्छा है जो मेरे को रुखा रहा है, मन मन में बोल रही हूँ, खुद घर बैठे रह रही है जब मेरे को पानी ला रहे, बोल रहे मेरे काम पे जाने के देर है, 6 घर में काम कैसे करूँ मैं, खुद पानी ला के डाल नहीं सकता लड़का के सिर पे। तो मैं मन मन में बोल के फिर पानी ला के दिया, फिर डाला, फिर डाल के वो वाला डाल लिया। लड़का ने बोला मम्मी और एक, पापा और 1 बाल्टी डाल। फिर मेरे को बोल रहा है 1 बाल्टी और पानी ला दो। फिर मैं मन मन में वही बात ही बोल रही हूँ, जो खुद नहीं ला सकता, मेरे को ही बोल रहा है, मेरे को लेट हो रहा है। तो बोलने के बाद पानी लाने भर के आधा रास्ता लेके आए वो लड़का, एकदम उतना बड़ा लड़का मोड़ छोड़ के एकदम खटिया के नीचे घुस रहा है, जैसे कोई खींच रहा है खटिया के नीचे। और मेरे लड़की बगल में सो रही थी, वो एकदम चीखा, मम्मी पापा जल्दी आओ, भैया का कोई लेके जा रहा है। ये बोल कर हम तो बाल्टी माल्टी कहा है सब फेंक के आया, आके मेरे बेटी उठ के पैर पकड़ लिया, मेरे भैया को नहीं लेके जाने दूंगी, और मैं गर्दन पकड़ रहा जो मेरे बेटे को नहीं लेके जाने दूंगी। और उसके पापा मुंह बंद हो गया, आंखें टेढ़े हो, ये सफेद वाला ही दिखाई दे रहा, काला वाला था ही नहीं, इतनी बड़े बड़े आंखें हो गई थी, फिर गर्दन मुड़ गया था। तो इसके पापा कह रहे मुंह में उंगली मत देना कोई, हाँ चाबी से मैं खोलती हूँ। तो चाबी से खोला नहीं उसका मुंह। खोलने के बाद आधा घंटा मैंने बहुत रो रही थी, मेरे बेटी रो रहे थे, पति रो रहे थे, मैं रो रही थी, हर देवी देवता को पुकार रही थी। तो था मेरे को जे मेरे बेटा तो किसी और को मानता है। तो फिर मैंने आधा घंटा पुकारने के बाद सबको, मैंने थक गया, मैंने जे मेरे बेटा ये बचेगा नहीं, खत्म है अब। तो फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, मेरे छोटे बेटा क्रूस बना के वो दीवार में चिपकाया था, तो वो क्रूस की दान आ गया, जो मेरे मन में जो क्रूस में शक्ति होगा, प्रार्थना करूंगी तो मेरे बेटा ठीक हो जाएगा। तो मेरे बेटी को बोल रही जो बेटी क्रूस बना हुआ है तो वहां जाके प्रार्थना कर भैया के लिए, भैया ठीक हो जाएगा। तो उस मेरे बेटी ने फटक से बोला मम्मी भैया बाइबल पढ़ते। तो मुझे बाइबल क्या होती है मुझे पता नहीं था, समझे जो भी पढ़ता होगा जो भी करता होगा भैया तुझे पता है तू लेके आ। तो उसने एक क्रूज उठा के लेके आए, एक बाइबल उठा के लेके आए। तो बाइबल उठा के लेके आके दिया मेरे हाथ में, ले मम्मी, और मैंने सीने में लगाया और एक झटका इतना जोर का दिया, ऐसे करके एक झटका में लगता है कि उसकी सारे आत्मा वापिस आ गया, आके गर्दन वर्दन सब सही हो गया, उसकी गर्दन सही हो गया और नॉर्मल हो गया, जगह में जाए, हाथ अकड़ छोड़ दिया, मुंह खुल गया और सब कुछ सही हो गया, आंखें नीचे हो गई। फिर उसमें मुंह से झाग निकल रहा है, इतनी झाग उसकी पेट में कहा थी, झाग निकल रहा है। मैं उल्टी से बहुत घिन करती थी, उस दिन मेरे को उल्टी से घिन नहीं है, क्योंकि मेरे बेटा का सवाल है, मेरे बेटा खत्म है, उल्टी से क्या घिन है। मैंने बोला बेटा मेरे
मैं कर उल्टी, फिर मैं हाथ से कर रही हूँ, उसके पापा कर रहे हैं हाथ से, मैं साफ कर रही हूँ। फिर ऐसे करके तो नॉर्मल हो गया, तो कह रहे नहीं हॉस्पिटल तो लेके जानी है। तो इसके पापा कह रहे तुम इसको देखो, मैं ऑटो लेके आता हूँ, थोड़ा दूर में ऑटो मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो जाते ही गेट खुला नहीं, गेट के सामने ही ऑटो वाला खड़ा था, ऑटो वाला खड़ा था। तो बेटी कपड़ा बदलने गया अंदर, जे मैं भी जाऊँ, तो बेटी कपड़ा बदलने गया और मैं ये आया गेट के पास ही है, तो टाइम लगेगा नहीं। आया बेटा को कंधे उठाया, जैसे लाश ही था, बेटा को कंधे उठाया, उठा के लेके गया। मैं भी पीछे पीछे बिना चप्पल बिना पैसे बिना फोन की चल पड़े, कोई होश ही नहीं था हम लोग का। बेटा आधा घुटने की आधा ऑटो के बाहर है, गर्दन उधर है, उसके पापा गर्दन संभाल रहे, मैं पैर संभाल रही हूँ, जे मेरे हाथ में लगे मेरे बेटे को ना लगे। करते करते आधे रास्ते गए तो ऑटो वाला बोला जे भाई साहब कैलाश हॉस्पिटल लेके जाना है। तो बोला मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, तो मुझे पता नहीं है कैलाश कहाँ है। तो इसका पापा बोला जे हाँ मुझे पता है, मैं बता दूंगा रास्ता, अब लेते जाना। तो गया कैलाश, उसको आईसीयू में भर्ती करके फिर मैं वापिस आ गया बेटी को लेने। आके देखा बेटी बहुत रो रही है, डर रही है, क्यों हिस्सा देखा उसने तो उसको डर बढ़ गया, और एक भैया नहीं बचेगा ये डर है। तो बेटी को लेके फिर मैं उसी ऑटो में करके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाके वो बेटी है, वो मैं ही हूँ, उसका फूफा आया, आने के बाद फोन किया था, आया है, आके देख रहा है बेटा को, यहाँ नोच रहा है, पैर में नोच रहा है, मतलब वो ठीक तो मतलब सारे जो अकड़ था वो तो ठीक हो गया, उसका होश नहीं आए, वो हिल नहीं रहा है। तो सामने तो कोई डॉक्टर बोल नहीं रहे जो बचेगा, क्यों हम माँ बाप है। तो हो गया वहाँ पे एक घंटा करीब हो गया, एक डेढ़ घंटा। तो एक डॉक्टर ने हमें बुलाया हमारे कपड़े के हालत देख के, तो कह रहे आप लोग तो बहुत गरीब हो, तो यहाँ पे दिन 30,000 दिन रात दे के 30,000 तुम्हारा बिल आएगा, तो तुम कहाँ से दोगी, बेटा भी शायद ही बचे, तो तुम एक काम करो तुम दिल्ली ले जाओ, वहाँ फ्री में होगा, तुम दिल्ली ले जाओ। तो अब क्या करूँ, डॉक्टर जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा। तो वहाँ से कुछ जांच वाच किया है, कुछ किया है, उसमें कुछ रिपोर्ट में नहीं आया, उसने डायरेक्ट बोला तुम्हारे बेटा जहर खाया है। तो मैंने बोला नहीं मेरे बेटा जहर नहीं खाया। तो कह रहे नहीं नले वो नहीं खाया तो किसी ने खिलाया। हम कह नहीं मेरे बेटा ना जहर खाया है ना किसी ने खिलाया, तो मेरा बेटा ऐसा नहीं है जो किसी के हाथ का फट से खा लेगा और कोई किसी बात में वो जहर खा लेगा, और इतना सुबह तो और कुछ हुआ नहीं तो ऐसा तो करेगा ही नहीं वो, उसमें इतना समझदार है। मैं डॉक्टर को बोला तो कह रहे पता नहीं है तो जहर ही खाया है, कैसे भी हो जहर ही है, आप साइन कर दो जो मरीज को हम ले जा रहे कुछ हो जाएगा, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। तो बेटी साइन आता है उसकी, साइन कर दे रोते हुए जे अपना मरीज को हम ले जा रहे। लेते हुए दिल्ली गए ऑटो करके, वहाँ के वहाँ गए भर्ती हुआ, वहाँ डॉक्टर के साथ फिर भी मेरे से लड़ाई हो गया, बोल रहा है तुम्हारे बेटा कितना शराब पीता है कितना दारू पीता है। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आ गया जो वहाँ कह रहा है जहर खाया, यहाँ बोल रहा है दारू पिया। हमने कहा मेरे बेटा गुटखा तक हाथ में नहीं लेता है तो दारू की बात क्या है। तो डॉक्टर बोल रहा है नहीं माँ आजकल के बच्चे के माँ बाप कुछ पता होता है, अरे आप माँ हो छुपा रहे हो उसकी बातें, हमारे पास छुपाओगे तो बच्चे को बचा लोगे आपके बेटे को। हमने बोला नहीं मैं ये दवा के साथ बोल रही हूँ, मेरे बेटा नशा विशा कुछ नहीं करता है, उसको कुछ और हुआ है। तो वो बहस करने के बाद मैं भी मजबूर हूँ मेरे बेटा का जान बचाना है, इतना पता है जो बहस करूंगी तो इलाज ठीक से करेगा नहीं दिल से। तो मैंने शांत हो गया, होने के बाद उसने बोला सारे आंटी रिपोर्ट में आ जाएगा क्या किया है नहीं किया तुम्हारे बेटे की करतूत है। हम कहे ठीक है रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगा, वहाँ भी रिपोर्ट करवाया कई सारे कुछ नहीं आया एकदम सफ़ेद। तो उसने सॉरी बोला मेरे से लड़का, आंटी सॉरी तो इसमें तो कुछ नहीं आया, इसका बीमारी क्या है पता नहीं है, मगर पीता तो आता ही कुछ ना कुछ। तो वहाँ बैठे बैठे कर रही रो रही हूँ चिंता कर रही हूँ क्या होगा नहीं होगा। तो उस टाइम तो जानती नहीं थी प्रभु को जे क्या है, तो क्या है जानती नहीं थी। तो वहाँ पे एक बगल में एक बेड में एक लड़की बैठी थी, उस मेरे बेटे के गले में एक लॉकेट का एक क्रूस था। तो वो लड़की ने देखा, देख के बोल रहा है आंटी भैया को क्या हुआ। हमने बोला बेटा ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने बोला कोई बात नहीं आंटी चिंता मत करो मैं प्रार्थना कर रही हूँ।
उस लड़की वहीं बैठ के उसकी मम्मी को लेके आई थी हॉस्पिटल, बीमार था। तो उस लड़की ने उसकी मम्मी की पैर के पास बैठ के प्रार्थना कर रहा है, और हमें नहीं बोला कुछ भी। तो करे आंटी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, भैया ठीक हो जाएगा। तो सही में वो लड़की ने 10-15 मिनट प्रार्थना किया उसकी मम्मी की बेड में बैठ के। प्रार्थना करने के बाद मेरे बेटा आधा घंटा बाद होश आ गया उसकी, आधा घंटा बाद होश आ गया। आने के बाद पहले सब वो बोला मम्मी मेरे को ठंडी लग रहा है, कंबल दे दो। तो वो सोच रहे मैं घर पे हूँ। तो फिर 10 मिनट बाद फिर बोल रहे। तो फिर मेरे बेटे का दोस्त था वो फिर आया मेरे घर संडे का दिन, उसको आके देखा घर बंद था, तो उसने फोन किया तो उसको बताया तो वो आ रहा था उसी टाइम। तो मैंने बोला उसको जे कंबल वंबल लेके आ जा, तो अपने घर के इनसे बेडशीट ले गया था। तो मैंने बोला लेके आएगा, बोला है लेके आएगा तभी तो तेरे को दूंगी। तो उसने गुस्सा आ गया उसको बहुत तेज, जे आप इतना आलसी हो, कंबल में कब से मांग रही हो, ठंडी में मर रही हो, तो लाके नहीं दे रहे हो घर से। जब घर में बोला जब घर से लाके नहीं दे रहे, मेरे भी उस टाइम होश आया। जब हम उसको तो बताया ही नहीं जो कहा है नहीं है हमें भी। तो फिर उसको बोला तू मैं कहाँ से घर से लूँ, दिल्ली में हूँ हम। जब उसको पूरा ज्ञान आया होश आया जे दिल्ली में हो, देख के वो चौंक गया। हमने बोला तू दूसरे से पहला से दूसरी में आया है, तो और चौंक गया। तो उसको तो कुछ पता नहीं है उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो देख के चौंक रहा है, लाशें जा रहे आ रहे, हम तो घबराया हूँ, वो भी ऐसे ही घबराया हो। तो फिर वो गया लड़का दोस्त गया, जाके बेडशीट दिया है उसको भी किया है। तो उस टाइम वीडियो बनाना चाहते थे तो मेरे बेटा ने मना किया है उसको, वो सोच रहे थे दोस्तों लोग देखेगा तो मजाक उड़ाएगा जो उसके साथ ये हुआ, इसीलिए उस टाइम ये सोचता, इसीलिए उसने वीडियो नहीं बनाने दिया उसके दोस्त को। तो फिर वीडियो बनाया नहीं, फिर आ गया घर 6 बजे करीब आ गया। 6 बजे आने उस टाइम बहुत बारिश हो रहे थे, लाशें जा रहे लाशें आ रहे। बेटा थोड़ा सा सुधर आया, दवाई ववाई दे दिया, कुछ तो आया नहीं ऐसे ही दवाई दे दिया, उल्टी बंद हो गया थे। तारपर फिर आए, आने के बाद उस घर में आए तो खिचड़ी खाने बोला। तो जहाँ वो काम करता है वो सारे मालिक लोग आए जो गाड़ी पोसने क्यों नहीं गया, संडे का दिन था। तो आके देखा जो ऐसा हालत है, वो कोई कह रहा है सिर में पानी जम गया, खड़ा नहीं हो पा रहे थे सिर हिल रहे थे। तो कह रहा है सिर में पानी जम गया, वो सिर का इलाज करो, ये करो वो करो, कई कुछ बोल रहे। तो हमें भी उतना पता नहीं है तो क्या हुआ था उसके साथ। गया फिर मेरे एक मुंह बोली सास है, उसने फोन किया, उसको मैंने बताया ऐसा ऐसा हो गया, हम नहीं आएंगे। कह रहे कोई बात नहीं आ जाओ तुम घर में ताला मार के, सब लोग मिलके आ जाओ, मैं यहाँ के हम सुन लेंगे, हम तो जा नहीं पाएंगे, अभी हमारे घर में खाने पीना का आयोजन करा है। तो हम आ गए वहां से उसी दिन आ गया, और हम वापिस गए नहीं उस कमरे रूम में, वापिस नहीं गए मेरे बहन के पास। हफ्ता 5 दिन था ऐसे, फिर छोटा सा एक रूम मिला हमें, उस रूम में गुजारा किया 1 महीना तक। फिर दूसरा रूम मिला उसमें किया। तो फिर दवाई खाते गया, इलाज करते गया, रिपोर्ट इतना सारे हो गया था, उसको कोई सुधर नहीं आ रहा था। वो जैसे पीने वाले जैसे कर रहे थे, घुटने के बल बाथरूम जाते थे, उसका दोस्त ही बाथरूम लेके जाता है, उसका पापा लेके जाता है, घुटने के बल जैसे 6 महीना के बच्चा जैसे बाथरूम जाता है ऐसे घुटने के बल बाथरूम जाते थे, आते थे पकड़ के, कहीं गिर गया बाथरूम में जाके कैसे उठेगा। तो इसका दोस्त बोलता था जे मासी तुम मत करो हम कर लेंगे उसका। तो वो बहुत किया है। करने के बाद एक दिन पता नहीं कहाँ से क्रिश्चियन लोग को पता लग गया, मंगलवार का दिन था, वो लोग आए। आने के बाद पूछा उससे, उस टाइम पूछा, उसके पास बाइबल ट्राइबल कुछ नहीं था उस टाइम, फोन था, फोन भी उससे पहले ही दिन खराब हो गया था। तो वो लोग पूछा, पूछने के बाद दवाई दिखाया, रिपोर्ट दिखाया उनको। तो कह रहे तुम विश्वास करते हो जो यीशु मसीह तुम्हें ठीक कर देगा? तो मेरे हम तो विश्वास नहीं करते थे, मेरे बेटा को डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, कौन ठीक कर पाएगा? तो वो बोल रहे हाँ मैं ठीक विश्वास करता हूँ जो ठीक कर देगा। उसने बोला जब विश्वास करते हो सारे दवाई और सारे रिपोर्ट को फेंक दो। तो हमारे खिड़की खोल दरवाजा खोलते ही पूरा दन था, वो तो दरवाजा खोला, सारे रिपोर्ट सारे दवाई फेंक दिया। उस दिन से मेरे घर में सत्संग होने लगा, ये प्रार्थना हुआ। उस दिन से जो दवाई फेंका
और बेटा राता रात ठीक हो गया, पूरा रात में ठीक हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो। सुबह उठ के खुद बाथरूम जा रहा है, कमजोरी तो था, खाना पीना नहीं था, बाथरूम खुद जा रहा है, कपड़ा बदल रहा है, नहा रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, मगर कर रहा है, वो अपना खुद का काम खुद कर रहे थे। तो उस दिन से वो आज तक एक दवाई नहीं खाया उस विषय में मेरे बेटा, और ना उसका सिर का कोई इलाज हुआ, ना पेट का कोई इलाज हुआ, ना मिर्गी का दौड़ा पड़ता था बचपन से उसका कोई इलाज हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीच में लॉकडाउन में भी टीबी भी हुआ, उसका भी कोई आधा अधूरा इलाज करके उसने छोड़ दिया। आज तक प्रभु की दया से सब कुछ मेरे बेटा में ठीक है, ठीक चल रहा है। फिर मेरे घर में मैं एक साल तक बहुत उलझन में था, तो प्रभु को ऐसे ही पुकारती थी, छोटे छोटे विश मांगती थी, जे प्रभु मैं काम से जा रही हूँ, जो इस इतने धूप में मैं कैसे जाऊंगी, तो अब सोचती हूँ जब छाया कर सकते, तो वो हो जाता था एकदम छाया छाया में। मैं घर जाती थी हंसते हंसते, मतलब छोटे छोटे विश मांगती थी तो पूरा हो जाता था जो भी मांगती थी। तो वो अंदर एक खुशी होता था, अंदर एक होता था, मेरे छोटे बेटे को इतना वो था उसकी जीवन में, जेल बेल गया वो, मैंने प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, प्रभु आप ही संभालना, मैं आपके ऊपर ही छोड़ दिया, जानते नहीं थे मैं इतना ही गलत, प्रभु आप ही देखना, सुना हूँ जो आप संभालते हो, आप ही संभालना मेरे घर को। तो मेरे छोटे बेटे को उस दिन से तो उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। तो छोटे बेटा फिर और एक दिन हुआ, मेरे छोटे बेटा के चक्कर में मेरे बड़े बेटा को पुलिस उठा के ले गया, छोटे बेटे को चक्कर में तो पुलिस उठा के ले गया, वो खुशी खुशी चला गया। तो मैंने उस दिन भी प्रार्थना मांगी, जे सुना कभी देखा नहीं है ना, तो सुनता हूँ जो पुलिस मारने से जो नहीं होता है वो भी उगल लेता है, तो मेरे मन में था जो मेरे बड़ा बेटा इतना सीधा है, अगर पुलिस में मारेगा तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो मैंने प्रार्थना किया था, हे यीशु तुम्हें ये प्रार्थना मांगती हूँ, जो मेरे बेटा कल सुबह हंसते हुए आके बोले मम्मी मुझे इतना खतरदारी हुआ, मुझे एक खरोच तक नहीं आए। तो मैंने इतना ही बोला, सुबह आए मेरे बेटा दूर से ही हंसते हुए आए, आने के बाद कह रहे मम्मी आज तक मेरे जिंदगी लाइफ में मैं ऐसे आदर नहीं पाया। मैं क्या कह रहे, मेरे को सबको जेल ले जाता है, मार पड़ता है, मेरे को तो शादी के घर में ले गया, खाने पे खाना, मिठाई पे मिठाई, मैं तो हैरान हो गया, जेल आई हूँ कि शादी घर में आई हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला बेटा मैं प्रार्थना किया था तो धन्यवाद करना होता है, तो पता नहीं था तो धन्यवाद किया नहीं, तो बेटा भी जानते नहीं था उस टाइम से धन्यवाद करना होता है, नहीं नहीं था वो भी। तो मैंने प्रार्थना किया तो और खुशी आई मुझे, जे हाँ सच में। तो ये एक साल तक ऐसे खुशी चला, फिर मैं भटक गया, फिर मैं भटक गया था संसार की दुनिया में। बेटा बोलता था सत्संग भी जाते थे हमारे घर, एक साल हुआ हम गाजियाबाद भी एक साल गए, तो जो बोलता था समझ में नहीं आता था, इधर से घुसता था उधर से निकल जाता था, और बेटा जब बैठता था एक घंटा समझाता था, तो उस टाइम बेटा के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, जे तू करता नहीं है कुछ, मेरे को काम करना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, घर पे आके मेरे को सब काम करना पड़ता है, तू बैठे बैठे ऐसे करता है। तो मैं उसको ऐसे मन मन में बोलती थी, उसके सामने बोलने का हिम्मत नहीं होता था मेरे को, कभी कभी बोल भी देते थे तो उसकी बातें समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ, तो गुस्सा हो जाती थी, तो वही उल्टा सीधा बात करके और उससे दूर रहती थी मैं। जब वो बात को छेड़ेगा तो एक घंटा मेरे को बैठा के रखेगा, मेरे आराम नहीं होगा, मैं सो नहीं पाऊंगी, मैं सुबह उठ के काम नहीं कर पाऊंगी, फिर कल काम पे नहीं जाऊंगी तो मेरे काम से निकल देगा, फिर खाऊंगी क्या, ये सब चल रही थी मेरे दिमाग में। और वो बोलता है नहीं मम्मी चिंता मत करो, खाने खिलाने वाला है हमारे, तो वो हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये सोचता मेरे। फिर हमने लॉकडाउन आ गया, फिर इधर उधर परेशानी हो गया, बड़े बेटा का टीबी हो गया, फिर छोटे बेटा का दोबारा टीबी हो गया, फिर छोटे बेटा तो दवाई खाया ही नहीं, आधा आधा दवाई खाया, मैंने उसको कुछ नहीं किया। हमने उस टाइम थोड़ा बहुत प्रभु को जान लिया था जे ये हमारी बीमारी ले लेता है, तो बड़े छोटे बेटा दवाई नहीं खाया पूरा, तो मैं डरी नहीं, जब तुम्हारे हाथ में दिया प्रभु तुम उसको संभालो, दवाई नहीं खाए,
उसको तुम नहीं संभालो। तो सही में प्रभु ही संभाल रहा है। सुना है टीवी होने से बाद में कैंसर हो जाता है, मर जाते हैं, मगर मेरे बेटा 4-5 साल से ठीक है, अभी भी दोनों बेटा ठीक है। दोनों बेटा का टीवी हुआ था, तो फिर बीच में एक दिन खून दिखा, मैं उसको बोला प्रार्थना कर, वो भी प्रार्थना करता है, उसको मेरे तरह ही है छोटे बेटे को, वो भी प्रार्थना करता है, ठीक हो जाता है, फिर भूल जाते हैं कि उसको प्रभु ने अभी तक उसमें पवित्र आत्मा नहीं डाला। तो मेरे को भी ऐसे ही था, मैं सुनती थी वहीं पे सब ठीक ठाक ठीक ठाक, घर आती थी सब भूल जाती, घर की लुज जाती थी घर के कामों में। फिर ऐसे ही चलता गया, प्रभु को हिस्सा देना होता है काम की, वो भी बोलते गया, वो सब कुछ सिखाते गए, बेटा मेरे पल्ले में कुछ नहीं पड़ा, मैं कुछ याद ही नहीं रहते थे, बोलता था जी ये चीज तुम्हें सुनाया, ये चीज का एक पार्ट बोलो तुम, मेरे को याद ही नहीं आते थे, मेरे दिमाग में रहते ही नहीं थे जो क्या बोलता है क्या। अभी अभी मैं बोल देती हूँ, फिर भी अभी जो पहले जो 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 बातें मेरे बेटे ने बोला, जहाँ हम छठ करने जाते थे वो लोग सुनाया, वो बातें अभी याद आ जाते हैं मेरे को, जे हाँ यही बात हुआ था, यही बात बोला था मेरे बेटे ने, ऐसे ऐसे बोला, अभी सब मिलाती हूँ तो वीडियो भी देखती हूँ तो वो याद आ जाते फट से। फिर मैं प्रभु में नहीं आए थे, मेरे के घर एक पास्टर आया था, उसने कुछ वचन मेरे को सुनाया, उसकी वचन पता नहीं प्रभु उसकी तरह काम करेगा इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। तो उस दिन से 2-4-5 बातें बोला, मेरे दिल के अंदर सू गया। उस दिन से मैं उतार चढ़ाव हो रहे थे मेरे मन में, अविश्वासी हो रहे थे, तो उस दिन से मेरे विश्वासी बढ़ गया, मैं जान गया जे हाँ यही है, सब कुछ मिला के देखा है जे प्रभु में और मूर्ति में क्या अंतर है, सब कुछ मिला के देख लिया, अब प्रभु कितना शक्तिशाली है और मूर्ति कितना हमें नीचा गिराता है, सब कुछ हमने समझ लिया। उस दिन से मैं प्रभु को एकदम पूरी तरह ग्रहण कर लिया, दिल में समा लिया प्रभु को, और प्रभु हमारे पूरे परिवार को संभालता है, शैतान उछलता भी है, और लड़ाई करवाता भी है, और प्रभु संभालते रहता है। तो यही हमारी गवाही है, और गवाही है तो फिर अभी जो चल रहा है, मेरे बेटी भी 32वां ले लिया था, वो फिर मेरे तरह ही भटक गया फिर से, उसको भी लाना है। मेरे छोटे बेटा जानता है, वो मेरे तरह ही सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, वो सारे वीडियो देख चुका है, वो जो भी मैं बोलता हूँ ना उसको, मेरे छोटे बेटे को, वो बोलता है हाँ ये है, मगर उसको पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ अभी तक, इसीलिए वो भटक रहा है। अब पता नहीं किसकी जरिया किसकी हाथों से उसकी पवित्र आत्मा प्रभु भेजेगा, तब उसको दिलों को साफ करेगा पूरी तरह। तो यही मेरा गवाही है, और दूसरा गवाही दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इसलिए धन्यवाद करते हो प्रभु की, और हमारी प्रभु की महिमा हो, हमारी घर में आशीष बने रहे प्रभु में, और हम प्रभु में आगे बढ़े, किसी से डरे ना, डटे और खड़े रहे हम।